स्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। वानाद्रियो विपदपङ्कजसक्तचित्तं वैकुण्ठदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियो विपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियो विपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुश्चरणाब्जभृङ्गं श्रीवेङ्कटेशपद्मानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे, श्रीनिवासमहं भजे। स्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद् भगवत भागवत आचार्य चरण कृपा से श्री आलवार एवं पूर्वाचार्य चरित्र का अनुसंधान कर रहे हैं। कल श्री भक्तिसार स्वामी जी के विषय में कुछ चर्चा हुई थी, किस प्रकार भगवान के सेवा के लिए श्री चक्रराज सुदर्शन जी अपने अंश से अवतरित हुए हैं हम सबके कल्याण करने के लिए। भक्तिसार स्वामी जी की निष्ठा अपने आचार्य अपने गुरु के प्रति कैसी है ये जानने को मिला, और अपने गुरु आचार्य के प्रति निष्ठा भगवत चरणाश्रित की है तो ही भगवान में उसकी निष्ठा रह सकेगी, अन्यथा कठिन हो जाएगा। यदि गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं है तो भगवान के विषय में कुछ भी जानता हो, भगवान का साक्षात्कार ही क्यों ना हो, लेकिन जिस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति की है, जिस परम पुरुषार्थ के लिए भगवान ने यह शरीर दिया है, वह परम पुरुषार्थ नहीं सिद्ध हो सकेगा, वह प्राप्त नहीं हो सकेगा। और परम पुरुषार्थ भगवान के नित्य धाम में जाकर भगवान की नित्य सेवा, उनकी ही प्रसन्नता के लिए, उनके ही मुखोल्लास के लिए करना, इसको परम पुरुषार्थ कहा है। और वही यदि यहाँ पर इस लोक में जो वैकुंठ में प्राप्त होने वाला है, वही यदि इस लोक में प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। ये मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता होगी।
इसलिए ये ध्यान रखें, हमारे आचार्यों ने ये बताया है बार बार कि यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं, हर एक अच्छा कार्य भगवत सेवा स्वरूप ही करना चाहिए। परिवार के लोगों के लिए जो कुछ करते हैं, अन्य लोगों के सहायता के लिए जो कुछ करते हैं, और संसार में जितना व्यवहार जो भी कार्य, वो सब कई लोग क्या करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, हो तो सकता है, लेकिन भगवान किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं। भगवान किसी का दुख नहीं चाहते हैं, और न भगवान किसी के जीवन में कष्ट चाहते हैं। तो फिर हुआ कैसे, यदि भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है तो? भगवान की इच्छा तो यह है कि यह जीवात्मा, यह मनुष्य, ये सदा सत्कर्म करे, अच्छे कर्मों को किया करे और अच्छे भाव के साथ में किया करे। मतलब कोई अच्छा कार्य कर भी रहा है, लेकिन उसके साथ में भावना यह है कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, या किसी अच्छे कर्म के पीछे कोई कुत्सित भावना है, तो ये भगवान की इच्छा नहीं है। और इस भावना से जो कोई करता है, उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। कार्य कर तो लेता है, भौतिक दृष्टि में देखने से उस व्यक्ति को, उस कर्ता को यह तो लगता है कि मैंने कर लिया, इस कार्य को संपन्न कर लिया, लेकिन उससे यदि कुछ बिगड़ता है, किसी को कष्ट पहुंचता है, भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है, तो कितना भी कुछ भी किया हो उसकी सफलता नहीं होगी। गुरुजनों ने यह शिक्षा हर जगह दी है, और भगवान जब अवतार लिए तब भी यही शिक्षा दिए। ये सारी बातें गुरु आचार्य ही समझाया करते हैं, तब जाकर के भगवान के चरणों में वैसी निष्ठा बन जाती है, गुरु की कृपा से, गुरु के बताए अनुसार चलने से, नहीं तो नहीं बन पाती। जैसे मीरा की बात आई थी, मीरा ने पूछा तुलसीदास जी से क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम है, लेकिन ये संसार संबंधी, ये सब जो है भगवान से विमुख करने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने उत्तर यह दिया था कि जो भगवान को नहीं चाहता है, वो अपना कितना भी बड़ा, कैसा भी प्रेमी हो, हमको कितना भी चाहने वाला हो, हम पर कितना भी प्रेम रखता हो, ऐसे को त्याग ही देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये उत्तर तुलसीदास जी ने दिया। ये सारी बातें भगवत चरणाश्रित के लिए, भगवान के शरणागत दास के लिए, भागवत के लिए, वैष्णव के लिए सदा पालनीय हैं। और कोई कितना भी बड़ा हम पर प्रेम प्रदर्शित करे, हमें कुछ भी, अपने प्रेम से कुछ भी देवे,
लोग अपना बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोई अपना बनाने के लिए नहीं या किसी उद्देश्य से नहीं, बस ऐसे ही अपने पे बहुत प्रेम दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैसे देखने में कुछ इच्छा नहीं मालूम होती, लेकिन जैसे कई लोग कहा करते हैं वैष्णव आचरण के विषय में जब शिक्षा दी जाए, उपदेश दिया जाए कि किस तरह का भोजन, किस तरह का खान पान वैष्णव को करना चाहिए, अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए, भोजन में कई प्रकार के जो दोष बताए गए हैं उन दोषों से बच करके भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन आदि तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब वस्तुएं जिस भोज्य पदार्थ में मिलाई गई हैं, डाली गई हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ में यह कि घर में भगवान को भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान को भोग लगा करके भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान के प्रसाद को छोड़कर कुछ और सेवन न करो, तो कुछ लोग ये प्रश्न किया करते हैं कि कभी किसी समारोह में, पार्टी में किन्हीं मिलने जुलने वालों के साथ कभी भोजन करने का मौका आता है तो ये तो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमसे प्रेम रखने वाले जिस किसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया है, प्रेम के वशीभूत वो बहुत आग्रह करता है, बार बार कहता है, बहुत जोर दे दे करके कहता है कि नहीं आपको भाई जी इतना तो करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा तो कुछ खाना पड़ेगा, कुछ तो लीजिए। जो पालन करना चाहते हैं इस नियम को, वैष्णव धर्म को, वैष्णव सिद्धांत अनुरूप भोजन व्यवस्था को जो पालन करना चाहते हैं या वैष्णव आचरण का जो पालन करना चाहते हैं, उनके मन में ही इस तरह की इच्छा होती है जानने की, वो पूछ लेते हैं। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं ठीक है गुरुजी का काम है कहना, इन स्वामी जी लोगों का काम है कहना, कह दिया अपने अनुसार करो। नहीं, स्वामी जी लोगों का कोई काम कहने का नहीं है और ना स्वामी जी लोगों का कोई स्वतंत्र मत है, गुरुजी की कोई अपनी इच्छा नहीं है, गुरुजी का उससे कोई निहित स्वार्थ नहीं है, उससे गुरुजी को कोई लाभ नहीं लेना है कि आप यदि इस तरह का जो निषिद्ध वस्तुएं हैं उनका सेवन करते हैं तो इससे गुरुजी को कुछ लाभ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनसे बचने के लिए तो हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने इसलिए आज्ञा की है क्योंकि ऐसे किसी भी पदार्थ के सेवन से यदि हमारे आचरण में भगवत भक्ति की भावना में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में यदि कुछ अंतर आता है, यदि मन भगवान की सेवा से हटता है, भगवत दासों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए उसमें यदि स्वार्थ भाव आ जाता है, गुरु आचार्य के प्रति, परमाचार्य के प्रति, श्री रामानंद स्वामी महाराज के प्रति कोई यदि अनुचित भावना मन में आती है, ऐसे किसी खान पान, किसी सेवन की वजह से, अपने किसी क्रियाकलाप की वजह से, तो ऐसा न हो इसलिए इतने नियम और ऐसी व्यवस्था वैष्णवों के लिए बताई गई है या किसी भी व्यक्ति के लिए बताई गई है, किसी भी देहधारी के लिए बताई गई है, ताकि संसार में जन्म पाया है तो ठीक तरह जीवन व्यतीत कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके। तो
ऐसे किसी प्रेमी के आमंत्रित करने पर जाते हैं और जो निषिद्ध आचरण है उसको करना पड़ता है। कहते हैं व्यवहार चल नहीं पाएगा इसके बिना, संसार में रहना कठिन है, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा का, गुरु की श्रीमुख आज्ञा का विश्वास भरोसा कर लीजिए मात्र। और यह भी उनके ही श्री चरणों में अर्पण कीजिए, इस चिंता का त्याग भी उनके चरणों में कीजिए कि हम कैसे इस व्यवहार को चलाएंगे, कैसे निभाएंगे। और सच्चे में यदि किसी की चाहना है, किसी की इच्छा है कि नहीं हम गुरु आज्ञा का पालन करके उन्होंने जैसा कहा है वैसे ही आचरण करेंगे, वैसे ही भोजन पान इत्यादि करेंगे, तो उस कृपा के विश्वास से ही सब कुछ हो जाएगा। और अब तो लोग समझने लग गए हैं, मानने लग गए हैं इस बात को कि कोई व्यक्ति यदि किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहता है या उसके आचरण, उसके नियम मर्यादा के विपरीत कोई बात यदि वो नहीं करना चाहता है तो उसको बाध्य न करें, आप लोग समझने लग गए हैं। और फिर आप समझाएंगे तो बिल्कुल होगा। और तब भी यदि कोई नहीं मान रहा है तो ऐसे के लिए कहा गया है, जाके प्रिय राम वैदेही, मतलब भगवान को प्राप्त करने में जो बाधक है, भगवान की सेवा, भगवान के कैंकर में जो बाधक है, हमारा कोई भी क्रियाकलाप, हमसे मिलने वाला कोई व्यक्ति, हमारे शरीर संबंधी कोई, भगवान की सेवा कैंकर में यदि बाधक बनते हैं तो ऐसे को छोड़ना चाहिए। ये दुराग्रह का विषय नहीं है। कोई ऐसे मनोभाव वाले यदि सुन रहे हो या कभी सुनते हो तो वो ऐसा दुराग्रह ना करें कि ये लोग ऐसे ही सिखाते, नहीं, ये शिक्षा सबके लिए है। क्योंकि भगवत चरणाश्रित हुए बिना, वैष्णव बने बिना मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए ये तो सबके हित की बात है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति ऐसा दुराग्रह न रखे और कोई किसी को इस तरह के कार्य करने के लिए बाध्य न करे, ये सबको समझना चाहिए। क्यों डरना तो इस बात से भी जरूरी है कि भगवान के दास का अपराध यदि किया है। देखिए डरने के लिए, किसी भी काम से डरने के लिए इसलिए कहा गया है कि उसका जो परिणाम दुख के रूप में प्राप्त होना है वो कोई नहीं चाहता है। तो भगवत चरणाश्रित को, भगवान के शरणागत को यदि कोई इस तरह से दुख देता है तो उसको बचना चाहिए। भगवान का शासन उसके ऊपर लागू होगा। तो ऐसे किसी प्रियजन या अपने किसी ऐसे प्रिय कार्य को छोड़ने के लिए भी कहा गया है। ये तजिए ताहि कोटि सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यह जो कहा है, मनुष्य का, श्री वैष्णव का कोई भी ऐसा आचरण जिससे भगवान से विमुख हो जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा, भगवान में प्रेम नहीं रहेगा, ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार को भी छोड़ने की जरूरत है। इन्हीं सब शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना है और बारंबार समझना है इन बातों को। श्री भक्तिसार स्वामी जी अपने गुरु के कृपा पात्र होकर के ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे गुरु ने शिक्षा दे दी है। योगी हैं, आज के समय में कर पाना संभव नहीं है, लेकिन ये भक्तिसार स्वामी जी अष्टांग योग के अभ्यासी थे और अवतार लेने के पश्चात, उत्पन्न होने के पश्चात ही भूख प्यास इत्यादि ये सब की इच्छा ही नहीं, कुछ पाने की, भोजन करने की इच्छा ही नहीं हुई, ये आपने सुना है। इसी का दिव्य प्रभाव है, भगवान के प्रति कैसी निष्ठा हो जाती है, अपने गुरु के प्रति कैसी निष्ठा। लेकिन ये गुरु के प्रति निष्ठा के बिना भगवान में ऐसी निष्ठा नहीं बनेगी कि एकमात्र भगवान का ही दास बनकर के रहे। और बार बार ये
जो नए सुनने वाले होंगे या जिन्होंने कम श्रवण किया है इन सब बातों को, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो बहुत बार सुने हुए हैं उन्हें भी कभी किन्हीं महान भावों के बातों को सुन करके, किन्हीं की संगति पा करके मन में संशय भ्रम हो जाया करते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता नित्य प्रति है, करना भी चाहिए। तो गुरु के प्रति निष्ठावान होने का मतलब गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करना, केवल इतना ही मतलब नहीं है। लेकिन जब हर कार्य गुरु के प्रिय लगने के लिए, गुरु को अच्छा लगने के लिए करेंगे, तो उसमें यह बात भी है कि गुरु की आज्ञा का पालन हमारे हित में है। गुरु की आज्ञा का पालन हम करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा, इससे हमारे गुरु जी को प्रसन्नता होगी, इससे भगवान को प्रसन्नता होगी, यह भाव रखना चाहिए। अपना हानि लाभ न देख करके केवल गुरु, भगवान और भागवत इनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखें। अपना हित तो, अपना लाभ तो अपने आप ही हो जाएगा, स्वयं ही हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं। इस विषय में भगवान ने स्वयं आज्ञा की है, और भगवान के श्रीमुख वचन को ऋषि भारद्वाज ने अपने ग्रंथ में कहा है। भारद्वाज संहिता में आता है, अहिका मुष्मिकीं चिंतां नैव कुर्यात् कदाचन, अहिकं तु सदा भाव्य पूर्वा चरितकर्मणा, और आ मुष्मिकीं तथा कृष्ण स्वयमेव करिष्यति। मतलब यह लोक की चिंता, जिस लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के विषय में कोई चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। अहिका मुष्मिकीं चिंतां नैव कुर्यात् कदाचन, अहिकं तु सदा भाव्य, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी बात के लिए अवश्यम भावी है तो होगा ही। तो वही कहा है, अहिकम, इस लोक का जो कुछ है सदा भाग्य जो वो होना ही है। पूर्वाचरित कर्मणा, पूर्व आचरित कर्म के अनुरूप, मतलब पिछले जन्मों में जो कुछ कर चुके हैं उसके अनुरूप प्राप्त होगा, सुख के रूप में, दुख के रूप में, हानि के रूप में, लाभ के रूप में, कुछ प्राप्त होने के रूप में, फिर छूट जाने के रूप में, इस तरह सब प्राप्त होगा, इसकी चिंता तो करना ही नहीं। पूर्व आचरित कर्म के अनुसार सब मिलेगा। और इसके बाद कहा, आमुष्मिकीं तथा कृष्णः स्वयमेव करिष्यति, इह लोक और परलोक की चिंता भगवान स्वयं करते हैं, ये भगवत चरणाश्रित को, वैष्णव को करने की जरूरत नहीं है। इसी को समझने के लिए भक्तिसार स्वामी जी का चरित्र भी है, और श्री रामन स्वामी महाराज आज्ञा किए हैं, तो जो आज्ञा श्री रामन स्वामी जी महाराज ने की है, वही आचरण, वही आदेश, वही शिक्षा इन श्री रामन स्वामी जी महाराज के पूर्ववर्ती आचार्यों की भी है हमारे लिए। तो भक्तिसार स्वामी जी ऐसे ही, जहाँ निवास स्थान था वन में, नदी के किनारे कुटिया बना करके रहा करते थे, वहाँ भगवत चिंतन, भगवत गुणानुभव करते हुए समय व्यतीत होता है, और बस जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उसको भगवत सेवा स्वरूप किया करते हैं, और शरीर के लिए जो कुछ आवश्यक मालूम होता है उसको किया करते हैं। यद्यपि योगी हैं तो जिस तरह भूख प्यास की अनुभूति नहीं है इनके दिव्य शरीर में, ऐसे ही ठंडी गर्मी आदि इन सब की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन ये हैं कौन,
आलवाराचार्य हैं, आलवाराचार्य आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा देने के लिए ही लीला है। अपने आश्रम में बैठे कुछ चीथड़ों को सी रहे थे। गुदड़ी जो होती है पहले के जमाने में, जहाँ विपन्नता हुआ करती थी, गरीबी हुआ करती थी, लोग पुराने वस्त्रों को, कई सारे पुराने वस्त्रों को मिला करके सिल करके और उसको ओढ़ने का बना लिया करते थे, या बिछाने के लिए, सोने के लिए बिछाने की जरूरत होती, उस बिछाने का वस्त्र बना लिया करते थे। वही गुदड़ी सी रहे थे भक्तिसार स्वामी जी। शिव और पार्वती जा रहे थे उसी स्थान से, नंदी के ऊपर सवार होकर के शिव और पार्वती चले जा रहे थे, और भक्तिसार स्वामी जी का यह जो भगवान के ध्यान स्मरण और भगवान के सेवन में दिन का प्रतिक्षण बीतने वाला समय जो है, इसी अभ्यास का प्रभाव है कि ऐसा दिव्य तेज हो गया श्री भक्तिसार स्वामी जी का कि आकाश से, आकाश मार्ग से शिव पार्वती जा रहे थे, लेकिन दिव्य तेज फैल रहा था जैसे सूर्य का तेज फैलता है। पार्वती ने शिव जी को कहा कि ये क्या कोई दिव्य क्षेत्र है अथवा किसी व्यक्ति विशिष्ट का प्रभाव है, चलिए हमारी इच्छा है, देखें जो वहाँ पर जो महात्मा विराजमान हैं उनका तेज, उनका प्रभाव देखने की हमारी इच्छा है, तो आप चलिए वहाँ चल करके देखेंगे, उनके विषय में जानेंगे और फिर लौट करके यथा स्थान चलेंगे जहाँ हमको जाना है। भगवान के दास के तेज, उनके प्रभाव, उनकी क्रियाकलाप, इन सबको देख करके तो विस्मय सभी को होता है, आश्चर्यचकित सभी देवता भी होते हैं, मनुष्यों की क्या बात है। और गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जिसकी पूर्ण निष्ठा है, आज भी वैसे लोग भगवान का गुणानुभव गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी निराली, अलग तरह की होती है। और भगवान के प्रति प्रेम गुरु के बताए अनुसार चलने से ही होगा, इसलिए श्री वैष्णवों के लिए, विशेषकर श्री रावण संप्रदाय में गुरुजनों का आदेश है कि भगवान की मानसिक सेवा अवश्य करना चाहिए, कायिक सेवा कभी चाहे शरीर से न हो पाए। बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि भगवान की सेवा नहीं बन पाती, बहुत लोग पूछते भी हैं कि जिस समय भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं उस समय कैसे किया जाए, अथवा जब कहीं बाहर जाना पड़े तो भगवान का सेवा कहीं कर कैसे चले, कोई और भी करता है तब भी, और स्वयं करते हैं भगवान की सेवा तब भी। एक बात और है, भगवान अर्चा विग्रह रूप में घर में विराजे हैं, चित्रपट रूप में घर में विराजे हैं अपना कैंकर्य प्रदान करने के लिए, लेकिन परिवार के सभी 4-6 सदस्य तो भगवान की सेवा कर नहीं पाते। क्यों? तो मन में संशय हुआ करता है, क्या भगवान को बार बार स्नान करावे, उतनी ही सेवा थोड़े है। कोई भगवान को स्नान करावे, कोई भगवान के लिए भोग बनावे, कोई भगवान के लिए पुष्प का हार बनावे, कोई भगवान के लिए तुलसी ले आवे, कोई भगवान के भवन में साफ सफाई वाली सेवा किया करे, कोई भगवान का गुणगान करने की सेवा करे,
इस तरह से बहुत प्रकार की सेवा है भगवान की, लेकिन किसी भी प्रकार की सेवा कायिक रूप से शरीर से करते हैं, साथ साथ मानसिक सेवा, हर प्रकार की मानसिक सेवा मतलब मन से भगवान की सेवा करना सबके लिए गुरुजनों के द्वारा आदेशित है, करना ही चाहिए। तो जैसे भगवान अर्चा विग्रह स्वरूप में छोटे से लाल जी बाल गोपाल के स्वरूप में, लड्डू गोपाल के स्वरूप में विराजमान हैं घर में, उनकी जिस प्रकार सेवा करते हैं, प्रातःकाल उनको उत्थापन करते, भोग लगाते, स्नान कराते, तिलक धराते, श्रृंगार धराते और जितनी प्रकार की सेवा करते हैं, वो सारी सेवा मन से सबको प्रत्येक भागवत श्री वैष्णव करनी ही चाहिए। इससे भगवान में प्रेम अधिक बढ़ेगा। जैसे कोई माता अपने बच्चे का लालन पालन, उसको दूध पिलाना, भोजन कराना, उसको नहलाना धुलाना, हर प्रकार की सेवा अपने बच्चे की करती है, तो उसके प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता जाता है और अधिक चाहना बढ़ती जाती है। वैसे भगवान के बनाए इस प्रकृति के प्रभाव से किसी माता को स्वाभाविक ही वह मातृत्व वाला प्रेम प्राप्त हुआ है, लेकिन वही गर्भस्थ बच्चा जो है जन्म लेने के उपरांत जब गोद में रहता है, माँ के आसपास खेलता रहता है, उसको तोतरी भाषा में पुकारता है, कभी अपने दुख को अपनी पीड़ा को रो करके व्यक्त करता है, मधुर वाणी में कभी कुछ उससे लेकर के पाता है, मांगता है, तो इस तरह की क्रियाओं से, और माँ कभी बच्चे के मांगे बिना ही, बच्चे के कहे बिना ही, कभी क्या सदा ही बच्चे के कहे बिना ही माँ उसके लिए हर एक सुख सुविधा करना चाहती है, उसके कहे बिना उसकी भूख मिटाने के लिए दूध पिलाती, उसको पवाती है, बच्चा कहता नहीं फिर भी नहलाती धुलाती है, उसका शरीर साफ सुथरा करती, उसके कपड़े धोती है, उसको कपड़े पहनाती है, और उसके पालन पोषण में जो कुछ आवश्यक है माँ बच्चे के कहे बिना करती है। ऐसे ही तो भगवान बाल स्वरूप में हमारे घर में विराज गए हैं कि सरलता पूर्वक सेवा कर सकें। तो भगवान, कोई कहा करता है कि भगवान में प्रेम कैसे बढ़ेगा, भगवान में ध्यान कैसे लगेगा, तो उसका उत्तर यही है कि भगवान ने अपना यह स्वरूप धारण ही इसी के लिए किया, बनाया ही इसी के लिए है कि हम भगवान की सेवा करके भगवान में मन लगा सकें। इसलिए कोई यदि यह कहता है कि मन लगता ही नहीं तो सेवा क्यों करें, तो भैया इस बात को सुधार लेना, ये गड़बड़ी है, ये गलती है, इसको सुधारने की जरूरत है। जैसे छोटे थे तब पढ़ने में मन नहीं लगता था, माता पिता बड़े पूज्यजन कहकर के समझा करके पढ़ाते लिखाते थे, वैसे ही बड़ों ने भगवान की सेवा करने को भी समझाया है, तो मन नहीं लगता था तब भी बड़ों के कहने समझाने से पढ़ लिख करके योग्य व्यक्ति बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त की, धन संपदा प्राप्त की, परिवारजनों के लिए सारी सुख सुविधा का इंतजाम किया, ये सब कुछ किया। ऐसे ही छोटे बनकर के बड़ों की बात मान करके, गुरुजनों की बात मान करके भगवान की सेवा किया करें, भगवान में मन लगेगा, अपने आप लगने लग जाएगा। फिर तो भगवान की गुरु की कृपा से मन में हृदय में भगवान की सेवा के लिए अलग अलग तरह के नित नवीन भाव प्रकट होने लग जाते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तभी निष्ठा सुरक्षित भी रह सकेगी। और यदि इस तरह की सेवा भावना आ गई मन में, इस तरह का भाव प्रकट हो गया है
अपने अंदर, तो फिर देह की मनुष्य शरीर की सफलता हो जाएगी। शिव पार्वती जा रहे थे, उनका दिव्य तेज देख करके, दिव्य प्रभाव देख करके पास में आए उन महात्मा को देखने, उनका दर्शन करने के लिए। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ पार्वती को। पार्वती ने शिव जी से कहा, कौन है ये महात्मा? शिव जी ने बताया, भगवान के दास जो हैं भागवत, उन भागवतों का ऐसा ही प्रभाव होता है, और उनके उस दिव्य प्रभाव को देख करके पार्वती की भी इच्छा हो गई और शिव जी के भी मन में आया। शिव जी बोल पड़े, आप कुछ ले लीजिए, कुछ वरदान मांग लीजिए। भक्तिसार स्वामी जी ने न तो कोई आश्चर्य व्यक्त किया, क्यों, थोड़ा सावधान होकर के यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सामान्यतया संसार में मनुष्य को कुछ धन संपदा आदि, कोई अपेक्षित वस्तु जो वर्षों पहले जिसकी अपेक्षा तो थी लेकिन वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई, वह वस्तु नहीं मिली, इच्छा नहीं पूरी हो सकी, और कभी अनायास ही वो इच्छा पूरी हो जाए जो वर्षों पहले थी, तो बड़ा आश्चर्य होने लगता है, ये हमको कैसे मिल गया, हमारा ये काम कैसे हो गया, हमको ये चीज कैसे प्राप्त हो गई, वह व्यक्ति कैसे मिल गया। तो ऐसे ही कोई यदि ऐसी वस्तु देवे, अब भक्तिसार स्वामी जी शिव जी की आराधना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन शिव जी कह रहे हैं वरदान मांग लो। भक्तिसार स्वामी जी न तो आश्चर्यचकित हुए, और योगी ऐसे ही होते हैं, न कुछ प्राप्त होने पर सुखी होते हैं और न कुछ छूटने पर दुखी होते हैं। अनायास कुछ मिल जाए तो उसमें आनंद नहीं मनाते, अनायास कुछ छूट जाए तो उसमें दुखी नहीं होते। भगवान के प्रति जिसका अनन्य अनुराग हो गया है, मतलब भगवान के अतिरिक्त अथवा भगवान के साथ साथ किसी और में अनुराग है ही नहीं, उसको अनन्य अनुराग कहा जाएगा, उसको अनन्य प्रेम कहा जाएगा। मतलब अन्य और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, वो अनन्य अनुरागी हुआ। भक्तिसार स्वामी जैसे ही हैं, शिव जी के कहने पर भी कुछ नहीं मांगा, न उन्हें आश्चर्य हुआ और ना देने वाले के कहने से इच्छा उत्पन्न हुई मन में। देखिए, कोई यदि सामने खड़े होकर के कह रहा है कि इस वस्तु को ले लो, तो ग्रहण कर लेना अलग है और इच्छा होना अलग है। पहले इच्छा होगी तब उसको ग्रहण करेगा, लेगा, स्वीकार कर लेगा। न तो इनके मन में इच्छा हुई, न उसको स्वीकार किया उनके वरदान को। और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की स्थिति यही है, तब तो भक्तिसार कहे गए हैं, इनका नाम ही भक्तिसार इसलिए रखा गया है। और कहीं तो वर्णन आता है कि शिवजी ने ही कहा कि इनका यह जो आचरण है यही भक्ति का सार है, इसलिए इनका नाम भक्तिसार होगा। लेकिन ये भगवान के द्वारा दिया गया नाम था भक्तिसार, शिवजी उसी बात को कहे हैं। लेकिन विचार करने की बात और भी है, इनके मन में कोई विकार नहीं आया, और शिवजी जो संसार के माया के प्रभाव में हैं, अपने को जो वस्तु प्राप्त है उसके अहंकार ममकार से युक्त हैं, अपने को कुछ शक्ति प्राप्त है, किसी को कुछ दे सकते हैं, तो माया का प्रभाव
भगवान के चरणाश्रित के ऊपर, जिसका अनन्य प्रेम भगवान के चरणों में है, उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता जैसा सामान्य व्यक्ति पे होता है। बाकी मनुष्य जीवन प्राप्त है तो वही पूर्वाचरित करुणा कर्म प्रारब्ध अनुसार तो इस माया का प्रभाव भी होगा और जीवन में सुख दुख आदि भी प्राप्त होते रहेंगे। हमेशा एक जैसी स्थिति यहां रह नहीं पाती, लेकिन जो गुरु के बताए अनुसार आचरण करने वाला है और वैसी स्थिति में पहुंच गया, उसको ऐसा ही प्राप्त हो जाता है जैसा भक्तिसार स्वामी जी को प्राप्त है। तो इनके मन में तो कुछ भी नहीं विकार आया। शिव जी ने कहा हम शिव आए हैं, यहां से थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया, हम शिव आए हैं, शंकर मांग लो, सबको ऐसे मिलता नहीं है, हम कह रहे हैं मांग लो। भक्तिसार स्वामी जी ने तब भी कुछ अभिव्यक्त नहीं किया, मतलब उसके ऊपर शिव जी की बात पर उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। ऐसे ही तो होना भी चाहिए। इसलिए श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने आदेश किया है कि देवतांतर से बिना मांगे मिलने वाली कोई वस्तु न तो ग्रहण करना, न उसकी इच्छा करना और न आश्चर्यचकित होना, यहां तक कि भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। स्पष्ट आदेश है श्री रामस्वामी महाराज का। तो बाद में शिव जी को क्रोध आ गया कि हमारा अनादर कर रहे हो, हम कह रहे हैं मांग लो पर तुम ले नहीं रहे हो, ये अनादर की बात अपने ही सगे संबंधी कहे जाने वाले जो देवतांतर में प्रवृत्त हैं, जो वैष्णव मत से अलग जो मतांतर हैं उनमें प्रवृत्त हैं, वो लोग समझाया करते हैं कि देवी देवताओं का भजन पूजन करना चाहिए, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, अथवा कभी किन्हीं देवता की महिमा सुनाते हैं कि उन्होंने तो हमको ये प्रदान कर दिया, उन देवता ने ये प्रदान कर दिया, उन बाबा ने ये प्रदान कर दिया, साईं बाबा ने ये दे दिया, उन देवी ने ये दे दिया, ऐसे बहुत प्रकार से लोग बताया करते हैं। लेकिन भगवत चरणाश्रित श्री वैष्णव को चाहे किन्हीं भी आचार्य की परंपरा में वैष्णव हो, श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की परंपरा में अथवा श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में, श्री निम्बार्क संप्रदाय में और श्री मध्व संप्रदाय में अथवा और जो वैष्णव संप्रदायों की शाखा हो गई हैं उनमें भी हैं, तब भी इस विषय में न तो आश्चर्यचकित होना चाहिए और न कोई इच्छा करनी चाहिए। शिवजी क्रोधित हुए, अपना तीसरा नेत्र खोले तो सभी जगह आग दिखाई देने लगी, बड़ा तेज प्रकट हुआ उनके तीसरा नेत्र खोलने पर। इसको सुनकर के शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। भगवान लक्ष्मीपति नारायण परम सतोगुण से संपन्न कहे गए हैं और जहां रजोगुण तमोगुण जिन देवताओं में अथवा जिस किसी जीवात्मा में दिखाई देता है वो सतोगुण के ही विकार से रजोगुण और उसके बाद तमोगुण उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान सत्वगुण प्रधान हैं और भगवान से अतिरिक्त अन्य देवता कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है,
यह भी उनको उनके कर्म पूर्व जन्मों में आचरित जो कर्म उनके अनुरूप प्राप्त हुआ है। देवताओं को भी, चाहे ब्रह्मा हो अथवा शिव हो, इंद्र हो और कोई भी देवता हो, सभी को कर्म प्रारब्ध अनुरूप प्राप्त हुआ है। और तमोगुण बढ़ने के कारण, तमोगुण का ही प्रभाव क्रोध के रूप में देखा जाता है, लोभ के रूप में देखा जाता है, और जितने दोष हैं, कोई दोष रजोगुण के कारण होता है, कोई दोष तमोगुण के कारण होता है। शिव जी को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोले, तेज फैलने लगा, संसार के प्राणी दुख पाने लगे। इतने में श्री भक्तिसार स्वामी जी ने एक और लीला की, अपने चरण के अंगूठे से वह तेज उत्पन्न कर दिया कि शिवजी के तीसरे नेत्र से निकला हुआ वह तेज फीका पड़ गया और उसके बाद भगवान ने प्रेरणा की शिवजी को। शिवजी जान गए, समझ गए इस बात को। भगवान ने शिवजी को प्रेरित किया तो वर्षा करने वाले मेघों को आदेश दिया। वर्णन ऐसा भी आता है कि प्रलय काल में मेघ वर्षा करते हैं, वैसी मोटी मोटी धाराओं की वर्षा होने लगी। उससे भी भक्तिसार स्वामी जी विचलित नहीं हुए, न उस तेज से, पहले तो उनके कुछ देने से भी विचलित नहीं हुए, उसके बाद उनके क्रोधित होने पर भी कुछ विचलित नहीं हुए, और इतनी मोटी मोटी धाराओं की वर्षा हो रही थी उससे भी विचलित नहीं हुए। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम जिसका ऐसा प्रगाढ़ हो जाता है, उसको किसी बात की चिंता सताती ही नहीं, और फिर रक्षा करने वाले तो भगवान ही स्वयं हैं। यहां तो इन महात्मा का प्रभाव ही ऐसा है, जब शिव जी के तेज को तिरोहित कर सकते हैं भक्तिसार स्वामी जी अपने तेज से, तो फिर वो उस वर्षा से क्या प्रभाव होना है? कुछ नहीं। भक्तिसार स्वामी जी जरा भी विचलित नहीं हुए, संसार के सभी प्राणी व्याकुल हो रहे थे, अब शांत हो गए। उसके बाद शिव जी ने क्षमा याचना की, पार्वती से कहा कि पार्वती, भागवत ऐसे ही होते हैं। भागवत, ध्यान दीजिएगा, भागवत मतलब भगवान का जो है, भगवान का वह भागवत। भक्तिसार स्वामी जी भगवान के ही दास हैं, तो शिव जी ने कहा कि भागवत तो ऐसे ही होते हैं, न तो किसी से कुछ ग्रहण करते हैं, ना उन्हें कुछ अपेक्षा होती है, ना किसी दुख के आने पर विचलित होते हैं, ना कुछ सुख मिलने पर आनंदित होते हैं, सदैव एक जैसी स्थिति में रहते हैं। ये बात सबके लिए समझना अनिवार्य है। कुछ प्राप्त हुए तो उसको भगवान की कृपा मानना, गुरु की कृपा मानना, भागवतों की कृपा मानना, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है तो फिर अपना क्या, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है तो बस, कृपा से प्राप्त हुआ है तो जिस लिए प्राप्त हुआ है, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, बस उसी में लगना चाहिए। कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, शिक्षा प्राप्त है, और नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली, पागल की तरह आचरण करते हैं, किसी को देख करके कुछ सीखा है तो कुछ कर लेता है, कर्म प्रारब्ध अनुसार किसी की बुद्धि विकसित नहीं हुई, दिमाग विकसित नहीं हुआ, ऐसे किसी बालक को देखते हैं, वो देखते देखते बड़ा नौजवान हो जाता है और फिर थोड़े समय में प्रौढ़ व्यक्ति हो जाता है, 40-45 वर्ष की ऊपर उम्र हो गई, लेकिन आचरण, देखने में शरीर बड़ा है लेकिन आचरण, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं या पागल कहते हैं, विक्षिप्त कहते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्म प्रारब्ध अनुसार वह प्राप्त हुआ है,
लेकिन जो भगवान ने कृपा करके ऐसी बुद्धि न दी होती हमको, तो फिर हमारा आचरण कैसा होता। और संसार में जो कुछ प्राप्त हुआ है, बनाने वाला कोई और खरीद करके लाए, उसमें जो जो व्यवस्थाएं, जो जो इंतजाम लगे वो सब किया, लेकिन वो सारे इंतजाम जरा दिमाग दौड़ा करके देखेंगे तो किसी भी वस्तु को बनाने की टेक्निक, उसका विज्ञान और उसको बनाने वाले जो उसके कर्ता हैं, जो रचने वाले लोग हैं, उन सबको बुद्धि और शक्ति यह सब कुछ देने वाले कौन? भगवान। इस तरह का भाव भगवान के चरणाश्रित दास का होना चाहिए, तो फिर अहंकार ममकार न छुएगा। तब तो कहा गया है कि भगवान के दासों में जो सबसे छोटा है उसका भी दास अपने आप को समझ करके, मान करके और बन करके रहो वैसा। तो फिर ये सब अहंकार ममकार के कारण जो दूसरी तकलीफें खड़ी हो जाती वो नहीं होंगी। और शिव जी को जो देने की इच्छा हो गई, अथवा पार्वती कह रही हैं कि आप चल करके दीजिए, इनके प्रभाव से हम बड़े प्रभावित हैं, आप चल करके दीजिए, ये यश प्राप्ति की कामना ही तो है और क्या। हम कुछ दे देंगे और मतलब कोई समृद्ध व्यक्ति यदि किसी को कुछ देता है और उसको यश की चाहना है, तो कोई संशय कर सकता है कि शिवजी यश की चाहना किए बिना दे रहे हैं। तो फिर अगली घटना जो है कि शिवजी ने बार बार हठ किया, बार बार कहा कि नहीं कुछ ले लो, हम शंकर हैं, देना चाहते हैं, तो भक्तिसार स्वामी जी ने ये कह दिया कि ठीक है, आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए, हम ये गुदड़ा सी रहे हैं, सुई और धागा जो है, सुई के पीछे धागा चलता रहे, सुई धागा बिना व्यवधान के अपने से चलता रहे, बिना रुकावट के चलता रहे। तो रुई और उसके ऊपर कपड़ा, उसमें सुई लगा करके सीने में कौन सा व्यवधान आना है? सुई के आगे रुई और कपड़ा कितनी देर ठहर पाएगा? उसमें तो कोई व्यवधान आना ही नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप यही दे दीजिए, बिना रुकावट के यह सुई धागा चलता रहे। तब शिव जी को क्रोध आया। तो यदि यश की चाहना नहीं होती शिव जी को, तो फिर क्रोध नहीं आना चाहिए था। क्या ये वस्तुतः अपमान है, अनादर है? भक्तिसार स्वामी जी ने जो कहा, आप किसी को नहीं चाहिए, जबरदस्ती ही कुछ दिया जाएगा, जो मालूम है कि प्राप्त कर लेने पर हमारे लिए अहितकर हो सकता है। क्यों? शिव अथवा कोई देवता जो कुछ देंगे वह संसार में ही तो देंगे, और संसार का तो सब कुछ माया के प्रभाव से युक्त है, तो उसमें वही अहमता ममता हो जाएगी। मेरा है, इसका भोक्ता मैं हूं, मैंने प्राप्त किया है, ये हो जाएगा। इसलिए इन दोषों से बचने की जरूरत है। भक्तिसार स्वामी जी को इससे बचने की चिंता नहीं थी, लेकिन कहा ना, भक्तिसार स्वामी जी चक्रा सुदर्शन जी के अवतार हैं, अपनी लीला प्रकट कर रहे हैं हम दासों की शिक्षा के लिए, लीला प्रकट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। इसमें कोई शिव जी की निंदा नहीं है और ना किसी को करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजनों का ही आदेश है, भगवान का ही आदेश है। न तो भगवान की निंदा करना और सुनना, न भगवान के दासों की, न उनके स्वरूप की, और न देवताओं की निंदा करना और सुनना, ये करने की आवश्यकता ही नहीं। तो शिवजी क्रोधित हो गए। यदि सहज भाव से यश की चाहना न होती तो फिर क्रोधित नहीं होना चाहिए था, नहीं होते क्रोधित, ये विकार मन में नहीं आना चाहिए था शिवजी के, लेकिन आया, विकार मन में आया। तो क्या भक्तिसार स्वामी जी
अपमान करने की दृष्टि से किए, नहीं। भक्तिसार स्वामी जी ने हम सबको शिक्षा दी है इस अपने चरित्र से। और फिर यदि शिव जी परम तत्व हैं तो फिर सर्वसमर्थ होना भी आवश्यक है। जो परमात्मा कहा जाता है, परब्रह्म कहा जाता है, जो परम तत्व है, उसको सर्वशक्ति संपन्न होना चाहिए, सर्वसमर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ शिव जी का सर्वशक्ति संपन्न होना तो नहीं दिखाई दिया, न तो सर्वशक्तिमत्व है, न सर्वगुण संपन्न है और न सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने से ये मालूम होना चाहिए कि भगवान का यह दास कौन है और क्या चाहता है, हमसे कुछ ग्रहण करेगा कि नहीं। लेकिन बाद में कहा शिव जी ने पार्वती से कि भागवत कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं, तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा बस यही चाहते हैं, भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। तो ऐसा होता है भागवत। इन बातों का सार शिक्षा यही है, भागवत को कैसा होना चाहिए। कर्म करते जाएंगे तो उसका फल अपने आप प्राप्त होता जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। अरे उसी प्रकार जैसे भक्तिसार स्वामी जी गुदड़ा सी रहे थे, सुई में धागा लगा करके कपड़े को ऊपर से घेरते हुए नीचे ले जा करके, फिर नीचे से घेरते हुए ऊपर ला करके गुदड़ा सी रहे हैं, तो काम तो हो ही जाएगा। गुदड़ा बन गया, ओढ़ने के काम आ ही जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत ही कहाँ है। कर्म तो करें, फल तो अपने आप मिलेगा। गुदड़ा बनाने का कर्म किया, फल मिल गया, गुदड़ा बन गया, आगे प्रसंग में आएगा वही गुदड़ा ओढ़ करके बैठे हुए थे, गुदड़ा ओढ़ करके ही बैठे हुए थे। एक सिद्ध पुरुष आया और उसने कुछ बात कही, उस पर चर्चा फिर और करेंगे। लेकिन कर्म हो गया ना, उसका फल मिल गया, जो चाहते थे वो हो गया। बस जैसे भोजन करेंगे तो पेट भर जाएगा, पानी पिएंगे प्यास बुझ जाएगी, बटन दबाए गर्मी लग रही है, बटन दबाया पंखा चल गया, हवा तो है, वायुमंडल में है हवा, वायु है, लेकिन हमको थोड़ा अच्छे से लगे इसके लिए बटन दबाया, पंखे को हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, बटन लगा हुआ है, उसमें करंट है, बटन दबाया, करंट पहुंचा पंखे में, पंखा घूमने लगा, हवा लग रही है, तो क्या बार बार बटन दबाते रहते हैं? नहीं, एक बार बटन दबा दिया, हो गया, उसका जो फल था मिल गया, गर्मी लग रही थी शांत हो गई, बस चिंता करने की जरूरत नहीं। कर्म करते जाएं, हवा चाहिए उसके लिए, अपेक्षित कर्म था, बटन दबा देना, हवा मिल गई, पंखा चलने से। प्रकाश की जरूरत है, बटन दबाया, करंट है, बल्ब के अंदर पहुंचा, बल्ब प्रकाश देने लग गया, बस हो गया कर्म, बटन दबाना इतना मात्र था, किया, हो गया, फल मिलेगा जरूर। ये सब है भगवान की कृपा से ही, पंखे से मिलने वाली हवा, वायु बनाई हुई भगवान की, वह पंखा यंत्र बनाया भगवान की दी हुई टेक्नोलॉजी से, उनके दिए विज्ञान से, बनाने वाला व्यक्ति उसको वह शक्ति वह सब ज्ञान वो भगवान ने प्रदान किया। विद्युत ऐसा नहीं है कि आज के पावर स्टेशनों से जो विद्युत बन रही, इसके पहले विद्युत नहीं थी, आकाशीय विद्युत वो कैसी है, ये तब भी थी। और उस शक्ति का उपयोग भी पुराने लोग किया करते थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी वैसे। इसलिए श्री रामल स्वामी महाराज की आज्ञा अनुसार भगवत दास को भगवान से कुछ मांगना नहीं, देवतांतर से कुछ मांगना नहीं, और देवतांतर से बिना मांगे मिलने वाली वस्तु को भी ग्रहण करना नहीं। भक्तिसार स्वामी जी के जैसा चरित्र, भगवान भक्तिसार स्वामी जी के जैसा बनाया आचरण बना करके रहे, तभी जो मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, वह संपन्न हो सकेगा। गुरुदेव की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। इस प्रकार भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा अनन्य प्रीति बना करके रहना चाहिए। भगवान की कृपा से
सब संभव है, बिल्कुल निश्चिंत रहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र में ही कुछ अन्य बातें और हैं समझने की और कुछ विमर्श करने की, उस पर फिर पुनः कल 11 बजे चर्चा आरंभ करेंगे। जय श्री नारायण।